महासरपंच साहब ने बुलाया है मारे को बिन्नी के गर्भ संस्कार से पहले उपटन लगाने के वास्ते। हो वो दुश्मन कौन हो सकता है जो दाईसा के बेस में आया था? मैंने पता लगाना होगा। शांति से बैठो। तो मैं जानता हूं तुम क्यों परेशान हो। पता लगवा रहा हूं। गांव वालों से पता चला है कि 20 साल पहले उस औरत पर 50 बच्चों को मारने का आरोप था। कैद में थी वो, फिर अचानक फरार हो गई। पर तुम चिंता मत करो, पकड़ लेंगे उसे। अब ये सारी टेंशन छोड़ो और तुम जूस पियो आराम से। मालिक से नौकर की सेवा करवा के ये पाप चढ़ाना है कि मेरे ऊपर? ये जूस क्यों लेके आए आप? इतना बोलती हो यार, तुम थकती नहीं हो क्या? जब मेरे हिस्से का जहर पी रही थी तब कहाँ थी तुम्हारी ये बकबक? अब मालिक नौकर के बीच का फर्क याद आ रहा है तुम्हें? हाँ बोला ना, मालिक से पहले नौकर कुछ खा पी नहीं सकते। ओके फाइन, अब मालिक नौकर के बीच की लड़ाई खत्म। ठीक है, खुश? मासा कहा करती थी कि भीन का जूठा पीने से प्यार बढ़ता है। इसके बारे में किसी को कुछ भी बताया फिर तुम्हारा बच्चा खंबा गानी। जय जी ने एक नंबर की डिटेल निकालने को बोला था, इसमें वो सारी डिटेल है। जी धन्यवाद, मैं उन्हें दे दूंगी। मतलब इस लिफाफे में घर के उस दुश्मन का नाम है जो मुझे मेरे बच्चे को मारने की धमकी देकर मेरे हाथों चुनरी को मरवाना चाहता था। तब सुबह बिच्छू का हमला करने वाला भी यही दुश्मन होगा। विद्या देवी का नाम लिखा है। लोकेशन भी अवेल की है। वो दुश्मन इस हवेली पर वार पर वार कर रहा है। वो और कोई नहीं बस है। तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली, समझे?
चुनरी वैसे क्या सोचा तुमने? क्या सोचा तुमने? जूस बहुत अच्छा है। जूस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं डफर। दुर्गा देवी का फुल सपोर्ट है तुम्हें, तो आगे की पढ़ाई के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या सोचा तुमने? अरे कोर्सा, एक दहेज दासी ने 10वीं पास कर ली, अब आगे पढ़ लिख कर क्या करेगी? कभी किसी दहेज दासी को कॉलेज जाते देखा है आपने? चुनरी, संभाल के। पूरे घर की सफाई करती फिरती हो और अपने कमरे में ये कील लग जाती तो? और ना तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगा मैं। टेंथ में टॉप किया किस लिए? घर में बैठने के लिए? अगर रेगुलर स्कूल नहीं जा सकती हो ना, तो करेस्पॉन्डेंट से तुम आगे की पढ़ाई करोगी, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। और अपनी जिंदगी को ना बर्बाद मत करो चुनरी, बल्कि जिंदगी में एक लक्ष्य बनो, समझी? इतने अच्छे लोगों के परिवार पर इस बुरे साए को हटा दीजिए माताजी महाराज। एक बार उस दुश्मन का पता चल जावे बस। नहीं, नहीं, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मासा, मासा मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? मैं वो नंबर डायल करती हूँ, अगर वो ब्लैकमेलर का फोन यहाँ हुआ तो बचेगा। वेदिका जीजा, आप ठीक ही कर रही है, आपको तो गर्भ संस्कार के लिए तैयार होना है ना? वेदिका भी नहीं, तुम दोनों क्या कर रहे हो हमारे कमरे में? बोलो। वो मासा, मैं आपसे ये पूछने आई थी कि आज पूजा में क्या पहनूं? कुछ भी पीला पहन लो, पूजा के लिए शुभ रहेगा। जी चल। वेदिका का मिस कॉल, वेदिका मारे को फोन क्यों करेगी? वेदिका मारे को नहीं, उस ब्लैकमेलर को फोन करनी थी।
इसका तो यही मतलब है कि वेदिका को शक हो गया है। पर ये शक अब ज्यादा देर जिंदा ना रहेगा, क्योंकि महेश का अगला वार खाली ना जाएगा। ध्यान से सुनो, इस बार कोई भूल ना होनी चाहिए, समझे? महेशिका एक बार और वेदिका का बच्चा खत्म। इस घर का वारिस मारे जय का बच्चा होगा, मारी सौतन के बेटे यश का अंश नहीं। जीजा, मैं ना आपके लिए नजरबट्टू लेके आऊंगी बाजार से, फिर आपको और आपके बच्चे को कुछ ना होगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है चुनरी, ऐसा लग रहा है आज भी हमारे ऊपर कोई हमला हो जाएगा। जीजा, मैं तो कहती हूँ जय कोर्सा के पास चल के बात करते हैं, आपका डर भी दूर हो जाएगा और वो आपको कुछ ना होने देंगे। आइए। नहीं, जय वैसे भी अभी मौत के मुंह से लौट कर वापस आए, बहुत कुछ झेला है उन्होंने, मेरे गर्भ संस्कार की तैयारियों में बहुत खुश है वो। एक बार ये सब निपट जाए फिर मैं खुद उनसे बात करूंगी, ठीक है? चल, बहुत काम बचा। मासा, सारी तैयारियां हो गई ना? हमारे तरफ से तो पूरी तैयारियां हो गई है, अब बस जैसे सोचा है सब कुछ वैसे ही निपट जाए। आज बहुत शुभ दिन है मासा, यश भाई साहब के बच्चे की सलामती के लिए पूजा है आज। मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरी उम्र भी भाई साहब के। चके बोल रहा है जय, ऐसी अशुभ बातें ना बोल, थारी उम्र सिर्फ थारी है, किसी के साथ बांटने का अधिकार नहीं देता है भगवान। मां हूं थारी, थारे को अंदाजा भी नहीं है कि थारे वास्ते किस हद तक जा सकती हूं मैं। थारे को कोई अंदाजा नहीं है जय, कितना प्यार करती हूं मैं थारे से। पता है मुझे कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मैं ये भी जानता हूं कि आप यश भाई साहब से मेरे जितना ही प्यार करते थे, लेकिन बस आज शुभ दिन है तो बस शुभ शुभ बातें बोल। अच्छा सुन, आज अठे हवेली में मैंने पूजा रखवाई है, तू घर वालों के साथ मंदिर जा, बच्चे के भविष्य के लिए दान पुण्य करके। ठीक है मासा, हम जाते हैं, मैं सबको बोल देता हूँ। घर से इन सब का जाना जरूरी है, तभी महेशी और वेदिका के बीच कोई नहीं होगा और महेशी अपने काम को अच्छे से अंजाम दे पाएगी। बस जैसा सोचा था, गर्भ संस्कार कार्यक्रम में पूरा हो जाए। मारे से और इंतजार ना हो है बिंदनी, अब जल्दी जल्दी मारे यश के अंश को मारी गोदी में डाल दे और मारे परिवार को, खानदान को उसका वारिस दे दे।
आज पूरा परिवार कितना खुश है। माताजी महाराज, इन खुशियों को ऐसे ही बनाए रखना। पूजा के वास्ते देर हो रही है, सबको मंदिर लेकर जा। ओह हाँ, चलो एवरीवन, चलो मंदिर पे जाने का टाइम हो गया। चलिए 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 सब लोग, चलिए चलो चलो चलो, संभाल के जाना। दहेज दासी बीच में आती रहेगी, महेशी वेदिका को निशाना नहीं बना पाएगी। ए दहेज दासी, के लगा के रखा ये सब कुछ, जिनाज गाना, जा अपने कमरे में जा। हम सब, मैं तो बस वेदिका जी जैसी खुशियों में शामिल हो रही हूं। बस नौकर है ना, मालिक के दुख सुख जिंदगी में शामिल होने का हक ना हो, वह दहेज दासी का। उसका बस एक ही हक हो, वह सेवा और आदेश पालन। जा अपने कमरे में। वेदिका बेनिनी, थक गई होगी ना, जाके कमरे में आराम कर। जी माँ सर, मारा भी सर भारी हो रहा है, मैं कमरे में जाके आराम कर लेती हूँ। मन ऐसे क्यों घबरा रहा है, जैसे कुछ अशुभ होने वाला है। क्या करूं, एक बार देखा पर हुकुम सर ने तो मना किया है। फोटो का गिरना तो शुभ ना हुए। हे बाल गोपाल जी, रीतिका जीजा पर जो भी बुरी नजर हो उसे उन्हें बचाना।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.